समर में शांति की जरूरत पड़ेगी तुझे, गांधी का अहिंसावादी बाण चल जाएगा और इस्लामाबाद में तिरंगा देगा जब गाड़, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। हिंदी कविता में मुझे अनेक सम्मान मिले। मैंने हमेशा जो कविताएँ की हैं वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को उठाते हुए की हैं। हिंदुस्तान की तकदीर ये मजहब कभी एक नहीं होने वाले, सफ़ेद पोशों के इरादे कभी नेक नहीं होने वाले, जुगनुओं से उजालों की आस करते हो, मर भी जाएं तो ये अभिषेक नहीं होने वाले। नमस्कार दोस्तों, आज द नगर RJ05 अकाउंट के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता होती है, आज हिंदी कविता की वाचिक परंपरा में मैं जब 1998 से इस परंपरा से जुड़ा बहुत छोटी सी आयु में, और आज नगर जो ब्रज मेवात की संगम स्थली कहा जाता है उस मेवात क्षेत्र से निकलकर पूरे देश भर में मैंने कविताएं की हैं, और इन 20-22 सालों के बाद एक कृति भी मेरी तूफानों के बीच जो सनातन प्रकाशन जयपुर से निकल चुकी है, पूरे देश भर में इस हिंदी माँ ने मुझे सम्मान दिया, हिंदी कविता ने मुझे सम्मान दिया, और निश्चित रूप से बहुत से हजारों श्रोताओं ने, पाठकों ने मुझको पढ़ा है, मुझको सुना है और तालियों से मुझे नवाजा है। मैंने हमेशा जो कविताएं की हैं वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को उठाते हुए की हैं। अनेक सामाजिक जो विसंगतियाँ हैं, विद्रूपताएँ हैं, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति हों, चाहे हमारे राष्ट्र के प्रति हों, ऐसी मैंने विसंगतियों को, विद्रूपताओं को कविताओं में उठाया है। मेरी जो कविता है बेटी, वो निश्चित रूप से पूरे देश में सुनी गई, पूरे देश में वायरल हुई। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कौन चाहता था मैं आऊं खेलूं घर के आंगन में, मेरा जन्म एक अनहोनी आग लगी जो सावन में, बेटे का पैदा होना हर चेहरे की खुशहाली है, लेकिन लड़की हो जाना भी अब इस समाज में गाली है, शासन के हर एक भाषण में सपनों का संसार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। तो ऐसी मैंने सामाजिक विद्रूपताओं को, सामाजिक विषमताओं को मैंने उठाया। वहीं जो मेरा जो दूसरा प्रिय विषय रहे, या मैं कहूं कि जिन्होंने मेरी अनुभूतियों को छुआ और जिन्होंने मुझे भीतर तक आहत किया जिस विषय ने, वो शहीद रहे। वहीं सुंदरावली से पुलवामा अटैक में जब शहीद जीतराम गुर्जर मेरा मित्र था, जब शहीद हुआ तो निश्चित रूप से मेरे भीतर से एक कविता निकली जो शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, काव्यांजलि अर्पित करती है। कुछ पंक्तियाँ मुझे उसकी याद आती हैं कि झरने रोए, नदियाँ रोई, कलियाँ रोई, गलियाँ रोई, सैनिक के शव पर चढ़कर के फूलों की भी डलियाँ रोई, रो रहा बाप अरमान लिए, माँ रोई ममता गान लिए, बहना भी रोई, सिसक सिसक झूठे सच्चे वरदान लिए। तो ऐसे करके मैंने शहीदों पर कविताएँ लिखी। लास्ट में उसमें कहा भी कि जो बहुत सी अखबारों की हेडलाइन बनी जो पंक्तियाँ, कि ये सेना का बलिदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा, वादा है नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रह पाएगा। रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा, पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तुझे, यशोगान चंद वरदाई कर जाएगा, समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे, गांधी का अहिंसावादी बाण चल जाएगा और इस्लामाबाद में तिरंगा देगा जब गाड़, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा। हिंदी कविता में मुझे अनेक सम्मान मिले, जहां मुझे सर्वप्रथम अपना याद आता है 2002 में सर्वप्रथम भारत विकास परिषद से एक कवि के रूप में मैं सम्मानित हुआ। उससे पहले स्कूल कॉलेजों में मैंने कविताएं बोली तो वहां सम्मानित हुआ, लेकिन भारत विकास परिषद ने सर्वप्रथम मुझको सम्मानित किया। वहीं मुझको रामधारी सिंह दिनकर सम्मान मुझे उत्तर प्रदेश से मिला, महाराणा प्रताप सम्मान मुझे बरेली से मिला। वहीं मुझे सर्वप्रथम सबसे जो मैं प्रमुख कह सकता हूँ वो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हिमालय और हिंदुस्तान की उपाधि से मुझे नवाजा गया 2018 में। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यमय क्षण रहा। बहुत बार मुझसे पूछते हैं, मेरे एक व्याख्याता मित्र हैं, वो कहते हैं कि अब से कमर ये पता नहीं लग पाता हमको कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप किस दल से, आप किस तरह की आप राजनीति करते हैं, आपका ये पता नहीं लग पाता। तो मैंने हंसते हुए कभी मैं उनके बीच में कह देता हूँ कि ना कांग्रेस का पानी पीता, ना बीजेपी का खाता हूँ, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न उगाता हूँ। नगर में यूँ तो प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, हर क्षेत्र में प्रतिभाएँ रही हैं,
मैं कहूँ जैसे तालबंदी में बाबूलाल पलवार जी हमारे रहे हैं और पट्टेबाजी भी यहाँ की प्रसिद्ध रही है, संगीत क्षेत्र में भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, कविता क्षेत्र में भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, वहीं एक नया ट्रेंड लेकर दानगर RJ05 अकाउंट जो युवा चला रहे हैं, जो एडमिन चला रहे हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो नगर की संस्कृति को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे स्तर से चारों तरफ से दिखा रहे हैं और उसको विकसित कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। मैं तो ऐसे युवाओं के लिए यही कहूँगा, मुझे डॉक्टर कॉर्बेचन साहब की दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोद ही लो तो वहाँ पहले आती हैं, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊँचा है, मंजिलें बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं। तो निश्चित रूप से जो राहें इस समय हमारे नगर के युवा दानगर RJ05 के माध्यम से, इस अकाउंट के माध्यम से जो सृजनात्मक जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय हैं और उसको निश्चित रूप से प्रोत्साहन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और मैं ऐसे युवाओं की हमेशा कद्र करता रहा हूँ, कद्र करता रहूँगा और हर व्यक्ति को ऐसे सृजन के अंकुरों का संवर्धन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो सृजन के बीज हैं ये जितने फैलेंगे समाज उतना ही विकसित होगा, उतना ही पल्लवित और पुष्पित होगा। और मैं युवाओं को संदेश देते हुए यही कहूँगा कि मन का संयम के सांचे में ढलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हम काम को करते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि मन का संयम के सांचे में ढलना बहुत ज़रूरी है, मंजिल पाने को कंटक पथ चलना बहुत ज़रूरी है, घोर निराशा में आशा के दीप जलाने ही होंगे, अंधकार में ज्ञान ज्योत का जलना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, दानगर RJ05 के माध्यम से आज आपसे मैं रूबरू हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रजनगर।